दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी ग्रुप को लेकर और अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेकर 3 से 4 बड़ी अपडेट है जो कि इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। तो यदि आपने अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट यानी कि ACC, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल एनर्जीज, अडानी इंटरप्राइजेस या फिर अडानी वेलमार, किसी के भी अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब मार्केट जो खुलने वाला है वो है 14 अगस्त के दिन, यानी कि 14 अगस्त के दिन अब हमें मार्केट ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। और 14 अगस्त का दिन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है अडानी ग्रुप के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग केस यहाँ पर चल रहा है उसकी जो अगली सुनवाई है वो हमें 14 अगस्त के दिन ही देखने को मिलने वाली है। तो अगर 14 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन निकल कर आता है, अगर वो अडानी ग्रुप के फेवर में निकल कर आता है तो अडानी ग्रुप के शेयर्स में हमें अपर सर्किट तक लगते हुए देखने को मिल सकता है सभी शेयर्स में। लेकिन अगर उसका उल्टा होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो अगर अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में निकल कर आता है तो लोअर सर्किट भी इन शेयर्स के अंदर लग सकते हैं। तो 14 अगस्त का दिन बहुत ज्यादा खास है अडानी ग्रुप के लिए, ये तो आपको समझ आ गया है। चलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात कर लेते हैं, जहां पर MSCI इंडेक्स में अगेन कुछ चेंजेस किए गए हैं। अडानी ग्रुप की एक कंपनी जिसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट ACC, उसे MSCI इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है और टोटल 8 कंपनियों को MSCI इंडेक्स में वापिस एड ऑन किया गया है। बात करें ये जो नया MSCI इंडेक्स का सर्कुलर है वो हमें 1 सितंबर 2023 से इफेक्टिव होते हुए देखने को मिलेगा। टोटल 8 कंपनियों के नाम हमें यहाँ पर एड ऑन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC का नाम देखने को मिल रहा है, REC, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, IDFC फर्स्ट बैंक, एस्ट्रल्स, कमिंस इंडिया का नाम यहाँ पर एड ऑन होते हुए देखने को मिल रहा है। जिन कंपनियों को MSCI इंडेक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है वहां पर लगभग $153 मिलियन का इनफ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है। वहां पर काफी अच्छी खरीदारी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है और उन शेयर्स में काफी अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। कुछ और कंपनियों के नाम यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक, अशोक लेलैंड, कमिंस इंडिया और एस्ट्रल के अंदर हमें लगभग $204 मिलियन, $196 मिलियन और $173 मिलियन, साथ ही साथ $170 मिलियन का यहाँ पर इनफ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अडानी ग्रुप की कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरर ACC का नाम हमें MSCI इंडेक्स से बाहर होते हुए देखने को मिल रहा है, जिस कारण से यहाँ पर लगभग 92 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो होते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर हमें काफ़ी बड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर हमें रिपोर्ट के माध्यम से देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं कि यदि आपने ACC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ऑलरेडी ACC नेगेटिव परफॉर्म करते हुए हमें देखने को मिला है। लास्ट 5 डेज की ट्रेडिंग सेशन में हमें ACC के अंदर लगभग 4% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो यदि आपने यहाँ पर खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पर मंडे के दिन अगेन हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की अनदर कंपनियों को लेकर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अडानी पोर्ट्स को लेकर। अडानी पोर्ट्स की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अडानी पोर्ट्स की भी परफॉर्मेंस हमें नेगेटिव ही देखने को मिली। अडानी पोर्ट्स के जो इनकी बुक्स है यानी कि जो इनके ऑडिटेड बुक्स है और जो इनकी ऑडिट करती है कंपनी, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डेलॉइट की। डेलॉइट जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जो कि अडानी पोर्ट्स का ऑडिट करती है, अब वो यहाँ पर रेजिग्नेशन दे रही है अडानी पोर्ट्स के ऑडिट से। यहाँ पर न्यूज़ भी कंफर्म कर देता हूँ मैं, 11 अगस्त 2023 की ये न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट्स के ऑडिटर पद से इस्तीफा दे सकती है डेलॉइट, एक ट्रांजैक्शन पर उठाया था सवाल। अडानी पोर्ट्स के ऑडिटर डेलॉइट हॉक्सिन एंड सेल्स LLP अपने पद से इस्तीफा देने पर विचार कर रही है। न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग ने शुक्रवार यानी कि 11 अगस्त को एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवालों से ये जानकारी दी है, यानी कि अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट निकल कर नहीं आई है, अभी सिर्फ ये सूत्रों के हिसाब से ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। और अगर डेलॉइट जो कि एक जानी मानी ऑडिटेड फर्म है अगर वो यहाँ पर रिजाइन करती है तो ये अडानी पोर्ट्स के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है और इसका असर हमें मंडे के दिन अडानी पोर्ट्स के ऊपर देखने को मिल सकता है।
बात कर लेते हैं अनदर कंपनी के बारे में जिसका नाम है अडानी वेलमार लिमिटेड। अडानी वेलमार लिमिटेड के अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग वीक में काफी ज्यादा ड्रामे देखने को मिले, काफी ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिले, क्योंकि एक रिपोर्ट निकल कर आती है कि अडानी ग्रुप अडानी वेलमार के अंदर से अपनी पूरी हिस्सेदारी, जो इनके पास में 45% की हिस्सेदारी है, उसे यहाँ पर बेच रही है। उसके बाद में अगले ही दिन अडानी ग्रुप की तरफ से क्लैरिफिकेशंस निकल कर आता है कि बाजार में जो भी खबर सर्कुलेट हो रही है वो सब अफवाह है, हम किसी भी प्रकार से अपनी हिस्सेदारी को नहीं बेच रहे हैं, अडानी वेलमार के अंदर अभी भी हमारी हिस्सेदारी एज इट इज़ कंटिन्यू रहने वाली है। तो जैसे ही ये खबर निकल कर आती है उसके बाद ही हमें अडानी वेलमार के अंदर वापस अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलते हैं। हालांकि अडानी वेलमार जो कि ऑयल सेक्टर में काम करती है, एडिबल ऑयल्स के बिजनेस में काफ़ी बड़ा नाम है, फॉर्च्यून तेल आप खुद खाते भी होंगे सब अपने अपने घरों में, तो उसका काम कंपनी करती है, लेकिन उसकी डिमांड क्वार्टर वन के अंदर काफ़ी नेगेटिव रही जिसके चलते उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के प्रॉफिट में भी देखने को मिला। कंपनी प्रॉफिट से पूरी तरीके से लॉस में आते हुए देखने को मिली। हालांकि इसी की कॉम्पिटिटर कंपनी रुचि सोया, उसके भी फाइनेंशियल रिजल्ट कुछ अच्छे निकल कर नहीं आए, वहां पर भी हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो यदि अडानी वेलमार के अंदर भी खरीदारी कर रखी है तो ये शेयर भी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिसने रिसेंटली एक सब्सिडियरी कंपनी बनाई है। और यहां पर एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि अडानी ग्रुप की दो कंपनियां यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए की अगेन फंड रेजिंग करने का प्लान कर रही है, और ये फंड रेजिंग हमें करेंसी बॉन्ड्स के थ्रू देखने को मिल सकती है। पूरी तरीके से ये बात हमें आते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैंकर्स अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग इन अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन विथ ऑफरिंग ऑफ अराउंड 10 to 15 billion रुपीज, जहां कंपनी फंड रेजिंग करने का प्लान कर रही है। वहीं सेकेंड कंपनी की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस का नाम भी हमें आते हुए देखने को मिल रहा है, और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई का, कि ये भी फंड रेजिंग करने का प्लान कर रहे हैं बॉन्ड्स के थ्रू। ये अनदर अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है अडानी ग्रुप के अंदर, जहां पर अडानी अब अपना जो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है $50 billion का, वो टोटल एनर्जीज के विदाउट यहां पर स्टार्ट कर सकता है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिल रहा है कि अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट ईयर टोटल एनर्जीज ने 25% का स्टेक यहां पर एक्वायर किया था, किसका, अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड का। और ये जो प्रोजेक्ट है हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ये साथ में स्टार्ट करने की बात कही थी, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट यहां पर सेपरेट स्टार्ट करने वाली है टोटल एनर्जीज। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज मार्केट में आते हुए देखने को मिल रही है। इसके चलते अडानी एनर्जी का शेयर भी काफी ज्यादा फोकस में रहने वाला है। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें अडानी एनर्जी के अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं अगर अडानी एनर्जीज की बात करें तो एक और न्यूज मार्केट में सर्कुलरेट हो रही है, जहां पर लगभग $1 billion की फंड रेजिंग का प्लान यहां पर अडानी एनर्जीज भी कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मंडे का दिन अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए काफी खास है, सभी शेयर्स में हमें कोई ना कोई अपडेट्स देखने को मिल रही है। अडानी पावर भी पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है क्योंकि पावर सेक्टर कंपनियां काफी बुलिश है, लेकिन मंडे के दिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है उसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो जैसे ही कोई भी अपडेट निकल कर आएगी आपको टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर दी जाएगी ड्यूरिंग द मार्केट, और एट द एंड ऑफ द डे आपको वीडियोस में सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।